आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों लेक्सर से। लेक्सर ने अपने दो नए मेमोरी कार्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी हाँ, जहां पर जो पहला मेमोरी कार्ड है जो कि मैसिव 2 TB स्टोरेज के साथ आने वाला माइक्रो SD कार्ड है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड की अगर बात करें तो भाई रीड स्पीड आपको 150 MB/s की देखने को मिल जाती है, जबकि राइट स्पीड आपको 70 MB/s की देखने को मिल जाएगी। जबकि बात करते हैं दूसरे मेमोरी कार्ड की, तो भाई वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो मेमोरी कार्ड को लॉन्च कर दिया लेक्सर ने, जहां पर रीड एंड राइट स्पीड की अगर बात करें भाई 205 MB/s की आपको रीड स्पीड देखने को मिल जाती है, जबकि 150 MB/s की आपको राइट स्पीड देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों लेक्सर के दोनों ही मेमोरी कार्ड्स को भारत में लॉन्च किया भी जाता है या नहीं। BenQ की बात करें दोस्तों, BenQ ने अपना नया गेमिंग मॉनिटर लॉन्च कर दिया है भारत में, जिसका नाम है Zoe। और ये जो गेमिंग मॉनिटर है, जिसके अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई 240Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये पूरी तरीके से गेमिंग मॉनिटर बनाया गया है FPS गेमर्स के लिए, यानी कि ज्यादा FPS वगैरह चाहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं उन सभी के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये गेमिंग मॉनिटर में आपको फास्ट TN पैनल देखने को मिल जाती है, न्यू DYAC2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। और यही गेमिंग मॉनिटर की अगर कीमत की बात करें तो इसकी जो प्राइस वो भारत में रखी है 42,990 rupees, जिससे अगर आप परचेस करना चाहते हो वे BenQ की खुद की ही वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, या फिर इनके जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं रिटेल स्टोर, वहां पर जाके भी आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ओप्पो की बात करें दोस्तों, ओप्पो का अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A60 जो कि NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दोस्तों स्पॉट किया जा चुका है, यानी कि समझ लीजिए इसका लॉन्चिंग नजदीक है। वैसे दोस्तों देखते हैं ओप्पो का ये जो नया स्मार्टफोन आएगा, जिसके क्या स्पेक्स होते, इसे किस कीमत पे कितनी ही जल्दी लॉन्च किया जाता है ओप्पो की ओर से, इस बात का इंतजार है। वीवो की बात करें दोस्तों, वीवो का काफी बड़ा इवेंट होने वाला है आज। मे भी आप वीडियो देख रहे हो तब तक इवेंट हो भी गया होगा, जहां पर दोस्तों वीवो अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है। इनमें से वीवो एक्स फोल्ड 3 सीरीज है, वीवो पैड 3 प्रो है और वीवो TWS 4 भी होने वाला है। वैसे देखते हैं दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट्स के क्या स्पेक्स होते हैं, इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है चाइना में, और ये सभी प्रोडक्ट्स हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाते, इस बात का इंतजार है। Realme की बात करें दोस्तों, में Realme ने काफी बड़ा कल डिस्प्ले इवेंट रखा हुआ था, जहां पर Realme ने Realme GT Neo 6 ऐसे में क्या कुछ डिस्प्ले में फीचर्स मिलने वाले ये सब कुछ रिवील कर दिया। जहां पर अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो वे BOE S180 LTPO न्यू OLED पैनल हमें देखने को मिलने वाली है ये स्मार्टफोन में। जी हाँ दोस्तों, वैसे इसके अलावा हमें 0.5Hz से लेके 120Hz का वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 450 PPI का सपोर्ट होने वाला है। वैसे इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, क्रेजी। वैसे दोस्तों इसके अलावा भी काफी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले यही स्मार्टफोन में। अब देखते हैं ये स्मार्टफोन हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। सैमसंग की बात करें दोस्तों, सैमसंग के काफी सारे यूजर्स ने सैमसंग को रिक्वेस्ट की थी। अब जहां पर सैमसंग ने अपने यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है दोस्तों S22 सीरीज में हमें AI फीचर्स देखने को मिलने वाले। जी हाँ, जो कि अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं था सैमसंग का, पर अब कहा जा रहा है सैमसंग S22 सीरीज में भी AI फीचर्स देने वाला है। अब देखते दोस्तों, रूमर्स ऐसा कह रहे, अब ऐसा होता भी है या नहीं, लेट्स सी। दोस्तों बात करते हैं एंड्रॉइड 15 की, जहां पर कुछ नए फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले, भाई जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जहां पर सबसे पहले फीचर की बात करें तो भाई हमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड 15 में। वैसे इसके अलावा दोस्तों हमें ओरा कास्ट करके फीचर मिलेगा, जहां पर आप मल्टीपल हेडसेट्स एंड मल्टीपल स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आपको ऐप अर्चिंग का भी फीचर मिलने वाला है, जहां पर आप ऐप को अनइंस्टॉल किए बिना ही स्टोरेज के साथ सेव कर सकते हो। जी हाँ, अब देखते दोस्तों एंड्रॉइड 15 में हमें क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते, इस बात का इंतजार है। दोस्तों बात करते हैं इंस्टेक्स की, भाई जिन्होंने अपना नया कैमरा लॉन्च कर दिया है भारत में, फूजी फिल्म इंस्टेक्स 99। वैसे दोस्तों ये जो कैमरा है, जिसकी जो प्राइस है वो भारत में रखी है 20,999 rupees, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, instax.in जो कि उनकी खुद की वेबसाइट है वहां पर, या फिर आप इसे ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो तो उनके जितने भी नजदीकी स्टोर्स होते हैं वहां पर भी जाकर आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो।
काम के डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए टाइप सी केबल, फास्ट चार्जिंग केबल, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों साउंस के और से वाला फास्ट चार्जिंग केबल अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर देखने को मिल जा रहा है। और यही केबल के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो केबल आएगा जिसमें 65 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि ये चार्जिंग केबल मोस्टली रियलमी के हर एक डिवाइसेस के लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। वैसे एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, और क्या चाहिए। और यही चार्जिंग केबल की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 199 रुपए में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, इपिक गेम स्टोर जो कि काफी पॉपुलर वेबसाइट है, जहां पर आपको हर वीक 2 नए गेम बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों एक काफी बेहतरीन खबर निकल कर बाहर आ चुकी है इपिक गेम स्टोर्स के बारे में, जहां पर दोस्तों ये जो इपिक गेम स्टोर है जिनकी एप्स भी हमें देखने को मिल जाएगी एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही के लिए। जी हाँ, ऐसी खबर आ रही है जहां पर भी कहा जा रहा है कि भी आपको फॉर्टनाइट जैसे गेम एप्पल के डिवाइसेस में आप खेल पाओगे, ये काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों इनका कहना ये भी है कि जो डेवलपर है उनको रेवेन्यू 88% मिलेगा, जबकि वो सिर्फ 12% का कट लेने वाले रेवेन्यू में। जी हाँ, ऐसे ही कुछ खबर आ रही है। वैसे देखते हैं दोस्तों एपिक गेम स्टोर की ये जो ऐप है वो हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है, इस बात का इंतजार है। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।